छतरपुर जिले के नौगांव थाना परिसर में छतरपुर एसपी अगम जैन ने पहली बार जनसंवाद कार्यक्रम किया, जिसमें थाना क्षेत्र के प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया गया। जनसंवाद के दौरान नगर ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों ने सपा के सामने समस्याएं रखी, जिसमें मूल रूप से ट्रैफिक पुलिस व्यवस्था, अतिक्रमण स्कूल और कोचिंग संस्थान में सीसीटीवी कैमरे, नशे की हालत में गाड़ी चलाने पर चालानी कार्यवाही, सभी चौकियों के ग्रामीण क्षेत्रों में पुलिस की गश्त की समस्या का एसपी अगम जैन ने आश्वासन दिया कि जल्द ही इन मुद्दों पर कार्यवाही की जाएगी। आज नौगांव में जनसंवाद हुआ, सभी ने बहुत ही बढ़ चढ़ करके भाग लिया और कई समस्याएं जो यहाँ नौगांव क्षेत्र की हैं वो सामने आई हैं, जिसमें वो चाहते हैं कि हमारी तरफ से कोई ना कोई कार्रवाई हो। हमारी टीम ने उन पॉइंट्स को नोट किया है, आने वाले समय में हम कोशिश करेंगे कि उसमें जितनी समस्याएं हैं हल होने योग्य उनका हल निकालने का प्रयास करेंगे। प्रमुख समस्याएं जो सामने हैं उसमें एक था कि नशा युवाओं के बीच में आ रहा है, तो हमारी कोशिश है कि आने वाले समय में हम कुछ कार्रवाई करें और कुछ जागरूकता अभियान भी चलाएं, जिसके माध्यम से युवाओं को इसके नशा छोड़ने के बारे में प्रेरित किया जा सके। एक यातायात संबंधी भी समस्या आई कि कुछ लोग तेज़ गति से वाहन चलाते हैं या मेन मार्केट में जाम लगने की समस्या रहती है, तो यहाँ नगर पालिका की टीम भी थी, उनके साथ में आने वाले समय में संयुक्त रूप से सभी लोगों से संवाद करके कोई हल निकालने का प्रयास करेंगे। हमारी टीम भी पेट्रोलिंग करके जो तेज़ गति से वाहन या शराब पी के वाहन चला रहे हैं लोग, उन पर कार्रवाई करेगी। फिर एक विषय देहात क्षेत्र के संबंध में भी आया कि वहाँ पर भी पुलिस की पेट्रोलिंग होती है लेकिन और होनी चाहिए, तो लुगासी गरौली क्षेत्र के हमारे जो चौकी प्रभारी हैं उनको बताया गया है, वो आने वाले समय में और बेहतर गांव-गांव में पेट्रोलिंग करेंगे, लोगों से संपर्क बनाए रखेंगे ताकि अपराधों को कम किया जा सके। नहीं, हमारा उद्देश्य यही है कि किसी को कोई भी परेशानी है तो मोबाइल के माध्यम से भी हमें बता सकता है, थाने और चौकी पर आकर के भी हमें बता सकता है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि निष्पक्ष रूप से वैधानिक तरीके से कार्रवाई। छतरपुर से भरत यादव की रिपोर्ट।